सो वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में 2022 का न्यू ईयर वाला फोटो एडिटिंग करेंगे। तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो को इस टाइप से एडिटिंग करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा आपको कि आप ऑलरेडी स्केचबुक यूज़ करें, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड फ़ोटो का क्वालिटी लॉस नहीं होता, तो बेहतर रहेगा आप इससे यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को यूज़ कर लूँगा। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ऐसे ब्रश पे जाऊँगा और मैं एक इरेजर वाला ब्रश को सिलेक्ट करूँगा। देन मैं इरेज करने स्टार्ट कर दूँगा। देन यहाँ से मैं इरेज कर लूँगा। मैं साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं इरेज कर लिया फोटो को बैकग्राउंड। तो फिर लेयर पे क्लिक करना है और जो बैकग्राउंड वाला लेयर है उसको ऑफ कर देना। एंड थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपको, शार्प पे क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना, जैसे कि आपका फ़ोटो पीएनजी में सेव हो जाए। तो इसको प्रोसेस लेगा थोड़ा एंड आपकी फाइल मैनेजर पे आ जाएगा। यहाँ सेव पे बटन पे क्लिक करना है, आपका फ़ोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ की तो काम कम्प्लीट। तो हम लोग पिक्सआर्ट में आ गया बैकग्राउंड को लेके। तो सबसे पहले आपको यहाँ के ऐड फोटो करके आपको मॉडल का पीएनजी को आपको इधर ऐड कर लेना है, जैसे ये था। तो मैं इसको ऐसे बड़ा कर लूँगा अपने हिसाब से, कुछ इतना करके यहाँ नीचे एकदम सेट कर दूँगा। और फिर ऐड पे क्लिक करके मैं जो न्यू ईयर वाला टेक्स्ट पीएनजी है उनको भी एक एक करके ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों को ऐड कर लेना। और ये 2022 का जो टेक्स्ट पीएनजी है उसको आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ब्लेंडिंग पे जाएंगे, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। देन इसका भी सेम स्टेप करना है। यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना ब्लेंडिंग मोड। एंड इसका 2020 का एकदम नीचे सेट कर देना है। और फिर सेट पे जाना है, जाके और पटाखा वाला पीएनजी ऐड कर लेना है आपको। तो इन सब बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। इसको लेफ्ट तरफ एंड इरेजर के ऑप्शन की ऊपर और जो ऑप्शन है मैं उसको क्लिक करके आपको एक डुप्लीकेट बना लेना इसका। और डुप्लीकेट करने के बाद इसको राइट साइड पर आपको यहाँ सेट कर देना है। तो यहाँ का काम कम्प्लीट। तो इसको डन करेंगे और इसको सेव कर देंगे फ़ोटो को। तो गैलरी पे क्लिक कर दिया, अपना फ़ोटो हो गया सेव। सो हमारा पिक्सेट का काम कंप्लीट होने के बाद आपको इसको रिटचिंग करना है। तो यहाँ पे शार्प पे क्लिक करूँगा और ऐड टू लाइट रूम कर दूँगा, जैसे कि अपना फ़ोटो लाइट रूम में ऐड हो जाए। तो ऐसे लाइट रूम में चला जाऊँगा डायरेक्टली ओपन करके। देन यहाँ क्या हमारा फ़ोटो वो इनपुट हो चुका है। तो यह फर्स्ट वाला फ़ोटो इस पर क्लिक करना है और इस पर थोड़ा रिटचिंग करना है। तो सबसे पहले आप लाइट एडजस्टमेंट करेंगे इस फ़ोटो का। तो इस फोटो में हमारा शेडो थोड़ा इनक्रीज होना चाहिए और हाईलाइट थोड़ा सा डाउन कर दूंगा तो भी चलेगा। और कंट्रास्ट का ज़रूरत नहीं, थोड़ा डाउन भी कर देता हूँ। और यहाँ से जो ब्लैक्स है उसको थोड़ा इनक्रीज कर लेता हूँ, जैसे कि अपनी टी शर्ट पर थोड़ा वाइट टोन आए। तो लाइट एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो चलेंगे टेम्परेचर पे। देन कलर टैब में आकर टेम्परेचर को थोड़ा सा देना है, बस थोड़ा सा ही ऐड कर लेना, जैसे ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज हो जाए। और टिंट को इंक्रीज कर लेना, जैसे जो बैकग्राउंड में जो कलर है उसको निखर के आए। और वाइब्रेशन को दे देना थोड़ा सा, तो जैसे 26 तक अपनी फ़ोटो के हिसाब से देना। और यह चलेंगे मिक्स पे और ऑरेंज कलर पर आकर ल्यूमिनस इंक्रीज करूँगा, जैसे फेस ब्राइट होना चाहिए। तो इतना कर लिया। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के साइड में जो दो कलर दिखाई दे रहा है उनको आपको बस सेचुरेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना है, जैसे कलर और निकल के है। और ग्रेडियंट पे जाके आपको एक कलर सिलेक्ट करना है, जैसे ये कलर ब्लू और टिंट, और इसका सेचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखना, जैसे पेरेंट के साथ अपना पीएनजी भी एकदम मैच हो एक ही कलर टोन में।
और इसका टोन, देन हाईलाइट का टोन भी कुछ ब्लू और टिंट के बीच में रखना। सैचुरेशन ज़्यादा इंक्रीज मत करना, 10 या 9 तक चलेगा। तो कलर ग्रेडिंग का काम तो कंप्लीट हो गया। तो इफेक्ट पे आके आपके फ़ोटो में क्लियरिटी दे सकते हो और THB, जैसे कि फ़ोटो डार्क लगेगा और हमें डार्कनेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आके नॉइस रिडक्शन दे देंगे थोड़ा और कलर रिडक्शंस, देन यहाँ के आपका रिटचिंग कंप्लीट। तो आप देख सकते हो पहले पिक्चर पे एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप से था, और हमने लाइटरूम में लाके इसको एडिट करके कुछ इस टाइप से कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, चलते बाय, मिलते किसी और एक वीडियो में।